तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम एक फ़ोटो को एनिमेशन इफेक्ट एडिटिंग कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसका नाम आपको मोशन लिफ करके आपको एक ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर ही। तो आपको ये डाउनलोड कर लेना, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो डायरेक्ट इसको ओपन कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पे चले जाना। न्यू पे मैं कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, ये मेरा दोस्त का ही फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो पर ही मैं अभी आपको इफ़ेक्ट एनिमेशन इफ़ेक्ट लगाने का सिखाऊंगा। तो सिंपल ही है। तो आपको सबसे पहले नीचे में, जैसे कि ऊपर में आपको दिख रहा होगा आसमान, ठीक है, तो आपको यहाँ पर से स्काई पे चले जाना। स्काई पे आपको बहुत सारे यहाँ पे स्काई मिल जाएंगे। तो मैं इसमें देखता हूँ कौन सा जो सा भी अच्छा लगे आपको। तो आपको मतलब कि इंटरनेट ऐड कर लेना है, क्योंकि ये डाउनलोड भी होगा, तो आपको अपने हिसाब से इसको ऐड करके बनाना है। तो मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। इसको बैक करने के बाद यहाँ जैसे इस पर ऐड करिएगा, उसके बाद यहाँ से आपको प्ले करके यहाँ पर से देखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये भी सही था, लेकिन कुछ और ट्राई करता हूँ मैं। थोड़ा सा उसी के हिसाब से लगे, थोड़ा एनिमेशन अच्छा भी लगे और उतना भी फॉल्स टाइप का नहीं लगे, टाइप का आपको एडिट करना है। तो ये थोड़ा बहुत सही है मेरे हिसाब से, ये देखता हूँ मैं डालकर। तो गाइस, मैंने यहाँ पे सनसेट पे SU03 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा और इधर आ जाता हूँ मैं, इधर बाहर। उसके बाद मैं इसमें कुछ और इफ़ेक्ट भी लगा देता हूँ, जैसे कि ओवरले कुछ करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ले। तो इसमें मैं बारिश का भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ऐड कर दो। और यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रबर का, तो आपको रबर कर लेना है। जैसे कि मुझे जहाँ जहाँ नहीं चाहिए बारिश, वहाँ वहाँ आपको हटा देना है। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूँगा, थोड़ा यहाँ ऐड, यहाँ पर भी थोड़ा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से आपको प्ले कर लेना डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा थोड़ा बहुत सही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर फिल्टर में आ जाऊँगा मैं, यहाँ पर इसको ऐड आगे करने के बाद यहाँ पर फिल्टर आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पर से जो फोटो फिल्टर अच्छा लगे वो फिल्टर यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। ये से ऊपर नीचा, मतलब कि इसमें फिल्टर जितना ऐड करना चाहते हो उतना अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा बैक कर लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर बैक करने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि ब्राइटनेस यहाँ से डालना चाहते हैं, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पे, मतलब ये अपने हिसाब से इसको आपको एडजस्ट कर लेनी है। तो ये कंप्लीट बन ही गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर से बहुत सारे इफ़ेक्ट भी लग रहा है, तो यहाँ पे इफ़ेक्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कुछ ऐड नहीं करने वाला हूँ। तो हूँ बस इतना इसी पर रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ, सॉरी बैक नहीं करना। तो ये मेरा कंप्लीट बन ही गया। उसके बाद यहाँ पर से करना क्या है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट में आपको यहाँ पे क्वालिटी मिल जाएगा, जैसे कि आपको कौन से
वीडियो वीडियो के लिए चाहिए, गिप के लिए चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको फैकल्टी भी मिल जाएंगे, मतलब क्या चीज़ में आपको चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे साइज मिल जाएंगे, साइज भी देख सकते हैं, साइज का ड्यूरेशन भी आपको मिल जाए कितना सेकेंड तक चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर 30 सेकेंड ले लेता हूँ, 30 सेकेंड, और कितना में 2K में या 4K में यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको वीडियो में चाहते हैं वीडियो में गिफ्ट में, तो गिफ्ट में भी ले सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो ही गया है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद मैं इसको प्ले करके दिखाऊंगा आपको कुछ देर में। सो गाइस, तो ये देख सकते हैं ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया बन के। यहाँ पे मैंने 30 सेकंड का लगा था, 30 सेकंड का लग गया। और गाइस, आप इस पे हैप्पी न्यू ईयर का भी, जो भी अभी जैसे 1 तारीख का आने वाली है, तो उस पर भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर आप एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते तो उसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें करना कुछ होगा नहीं, तो आपको कोई भी आपको गिफ्ट डाल लेना, गिफ्ट डाल लीजिएगा। और यहाँ पे फोटो एडिटिंग, तो आप समझिए इसमें सिर्फ मेरे हिसाब से कोई भी मतलब फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा ऊपर में हैप्पी न्यू ईयर का, तो ये आपको सिंपल सा हैप्पी न्यू ईयर भी बन गया और आपका एनिमेशन वीडियो भी यहाँ से आपको बन गया। तो ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।